हाय गाइस, तो आज है वेट लॉस जर्नी का 20 डे। कल मैं भूल गई थी, कल 19वां दिन था तो मैंने 18 बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो आज है 20 दिन हो गए, 19 दिन। और आर्ड हार्ट चैलेंज में मैंने सुबह चिया सीड्स वाला पानी पी लिया था, और उसके आधे पौने घंटे बाद वापस मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी। ठीक है, आराम से सब सब करके पी थी, क्योंकि मुझे छाले बड़े हैं ना, मैंने कहा था। तो ठंडिया गरम सब कुछ खा पी रही हूँ, लेकिन कॉफ़ी की आदत ऐसी हो गई है ना, सच में 2 दिन से पी रही हूँ, मुझे चाय पीने का मन नहीं हो रहा है। लेकिन आप बहुत छोटा कप, मतलब कप बड़ा है मेरा, लेकिन मैंने बहुत छोटी सी मतलब ली है, ज़्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है, हाफ कप से भी थोड़ा कम, क्योंकि कॉफ़ी की तासीर गर्म होती है, तो हर एक किसी को सूट नहीं होती है। बाय द वे, मुझे भी इतना नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं पी रही हूँ। और उसके आधे पौने घंटे बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स थे वो खा लिए थे, आराम से बैठ के सिप सिप कर, सॉरी चबा चबा के खाए थे मैंने। और उसके बाद मैंने सारा घर का काम निपटाया, और फिर मैंने पी थी ग्रीन टी। हाँ, ग्रीन टी बहुत ज़रूरी है, अगर आप ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं ना तो ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। उससे मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम जितना खाते हैं ना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, और उसके बाद नींद वगैरह भी नहीं आती है। और कई बार क्या होता है ना, आलस से इतना आ जाता है ना, तो आलस भी नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ कि क्या चीज़ से क्या फ़र्क पड़ रहा है। और उसके बाद मेरे बचे हुए चने थे उबले हुए, तो उसको मैंने वापस गर्म किया, और उसके अंदर मैंने डाली दही, और उसके ऊपर मैं थोड़ी सी पिंक सॉल्ट डाल रही हूँ, और उसके ऊपर थोड़ी सी मैं लाल मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकती हैं अगर आपको पसंद है तो, लेकिन ये मुझे इस तरह से बहुत सिंपल सा ही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम खाने के लिए बहुत ज़्यादा वेराइटी ढूंढते हैं। और ये मैं सीधा लंच कर रही हूँ, ठीक है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ये सीधा लंच कर रही हूँ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कर रही हूँ, तो 12 बजे के बाद ही मैं खा रही हूँ। 12 बजे तक मैं सिर्फ पानी खूब पीना है आपको भी, ठीक है, पानी बहुत पीना है, ग्रीन टी पी रही हूँ, कॉफ़ी पी रही हूँ, आप चाहे तो चाय भी पी सकते हैं, लेकिन विदाउट शुगर पीजिए, ठीक है। और ये मैं सीधा खाना खा रही हूँ, और बाय गॉड सही में गाइस, ये आप खाते हैं ना चने हैं या कुछ भी स्प्राउट्स वगैरह, तो आपको इतने हेल्दी है और इतना जल्दी भूख भी नहीं लगती है, और आपको मतलब एनर्जी भी इतनी मिल जाती है ना, आप नॉर्मली खाते हो उससे ज़्यादा इसमें एनर्जी मिल रही है। तो और इसके बाद आज अष्टमी थी ना, तो हमारी माता रानी के लिए प्रसाद बनाते हैं, तो इसको गुजराती में लापसी बोलते हैं, तो वो बनाए थे, तो मैंने थोड़ी सी प्रसाद खाया, क्योंकि प्रसाद खाना बहुत ज़रूरी है। खाना खाने के बाद वापस मैंने 1 घंटे बाद ग्रीन टी पी थी, हाँ, क्योंकि गर्म पानी से अच्छा मैंने ग्रीन टी पी ली थी, क्योंकि दोपहर में मैं अभी सोती नहीं हूँ, क्योंकि सोने का टाइम भी नहीं होता है, वहाँ जाना होता है मुझे, तो मैंने आराम से सिप सिप, ना मैं इसमें लेमन डाला है, ना मैंने हनी डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, ऐसे ही ग्रीन टी पी ली। उसके बाद मैं योगा क्लास चली गई, आज दूसरे मैम आए थे। योगा क्लास से आके मुझे भूख इतनी लगी थी, और ये है पनीर, तो पनीर को मैंने घी में सौते करके मैंने 4 पीस खाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम नहीं, पनीर जो होता है बहुत अच्छा होता है प्रोटीन, और आपका पेट भी भर जाता है, और आपका वेट भी नहीं बढ़ता है, और आपको फैट मिलता है वो भी हेल्दी फैट मिलता है, ठीक है, तो आप पनीर खा सकते हैं अगर आपको पसंद। मैंने हाँ इसमें कोई मसाला, कोई भी मैंने नमक कुछ भी नहीं डाला था, ठीक है, बिना नमक के मैंने खाया था आज, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो रात को मैं हेल्दी खाऊं। और साइड में मैंने आलू बॉईल होने रखे हैं, क्योंकि सैंडविच भी बनानी है, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए, लेकिन आज सैंडविच मैं नहीं बना रही हूँ, आज हमारे किचन में कोई और बनाने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पनीर को बहुत अच्छे से आप सेक लीजिए और उसको आराम से खा लीजिए, अगर आपको नमक के बिना नहीं चलता तो आप थोड़ा सा ऊपर से डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 4 पीस खाए थे, ज़्यादा नहीं खाया था कुछ भी। तो उसके बाद ये मैं कितने बजे खा रही हूँ पता है, 7:30 बजे खा रही हूँ, तो ये मैंने आराम से खा लिए। और उसके बाद मेरी किचन में आ रहे हैं 2 नए मास्टर से जो कि आ चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये आराम से खा लिए। और ये है मेरी बेटी और मेरा बेटा भी, बहुत ही अच्छी मास्टर शेफ वाली सैंडविच,
और इसका नाम है सिद्धि एंड मित्तल सैंडविच। तो अगर आपको खानी है तो कमेंट में बताइए। जरूर जरूर। आलू जो है मैंने बॉईल कर दिए थे, उसके अंदर नॉर्मल से मसाले डाले, कुछ नहीं डाले हैं। चीज़ है, मेयोनीज है और सॉस है और ऑनियन है। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही कर रहे हैं। हाँ, आपके बच्चों को अगर खाना बनाने का शौक़ है तो आप उसको ज़रूर बनाने दीजिए। अपने हिसाब से वो किस तरह से बनाते हैं ना, तो उसको भी मौका दीजिए। अभी स्कूल ख़त्म हो चुकी है, वैकेशन है, तो बच्चों को भी बनाने दीजिए। क्योंकि उन चाहे लड़का हो या लड़की, जो भी हो, हम कहते हैं कि लड़कों को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा बेटा देखो बना ही रहा है, उसको बचपन से ही शौक़ है खाना बनाने का, तो वो बनाता है, तो मैं उसको बनाने भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसको मना करती हूँ। अगर वो बोलता है कि मुझे बनाना है तो इस ओके, दोनों बच्चे बनाते हैं मिलकर, और भाई बहन का प्यार भी है तो अच्छी तरह से बना रहे हैं। अगर आपके बच्चे भी बनाते हैं तो उसको बनाने ज़रूर दीजिए। और ये है मेरी मम्मी जी, मेरी सासू माँ। तो मैंने कहा आप भी आज कैमरे में आ ही जाओ, क्योंकि वो नहीं आते हैं। तो ये है मेरी मम्मी जी और सासू, मतलब सासू माँ है। तो सब लोग बातें कर रहे थे और उसके बाद ये सैंडविच तैयार है। हाँ, कुछ एक दो जल गई है, लेकिन इस ओके। अगर आपके बच्चे करते हैं तो उसको आप शाबाशी दीजिए, ना कि उसकी कमियां निकालें। क्योंकि अगर आपके बच्चे करेंगे ना, अगर आप उसकी तारीफ़ करोगे तो उसको दूसरी बार भी करने का मन करेगा। लेकिन अगर आप उसको पहले से ही बोल दोगे कि तुमने ऐसा बनाया वैसा बनाया है, तो बिल्कुल बेचारे का मन उदास हो जाएगा। इतनी खुशी से बच्चे बनाते हैं, तो प्लीज़ उसको बनाने दो। और उसके बाद हाँ, लेकिन आप भी साथ में खड़े रहो, क्योंकि जल वल ना जाए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत छोटे नहीं, बड़े थोड़े हो जाए तो उसके बाद बनाने दे सकते हैं। तो ये रेडी है और मैंने नहीं खाई थी, मेरे बच्चों ने और हस्बैंड ने खाया था, लेकिन हस्बैंड ने भी नहीं खाया था, उसके पेट में ठीक नहीं था, तो सिर्फ बच्चों ने ही खाया। और उसके बाद मैं पी रही हूँ दूध, थोड़ी सी मलाई डाल के, क्योंकि हेल्दी फैट भी लेना ज़रूरी है। तो ये था मेरे पूरे दिन का आज का डाइट प्लान। और मैंने आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया था, मतलब घर का काम किया था, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सरसाइज नहीं हो पाई थी आज, क्योंकि मेरी बेटी कल है ना सीता मैया बनने वाली, तो उसकी तैयारियां चल रही है। तो बाय।